तो दोस्तों आज जो वीडियो होने वाली है वो थंबनेल पर होने वाली है। देखिए थंबनेल बनाना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक थंबनेल नहीं हमारा वीडियो रैंक करने में कुछ भी नहीं। सबसे पहला काम है थंबनेल बढ़िया सा बढ़िया बनाना। तो स्वागत है दोस्तों आपके ही अपने चैनल टेक गुरु आगरा में। तो आज मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए वैसे तो थंबनेल पर मैंने कई सारे वीडियो डाल रखी है, पिक्सल लैब से कैसे बनाएं, पिक्सल आर्ट से कैसे बनाएं, मगर आज इजीली तरीके से आप पिक्सल लैब से कैनवा है, पिक्सल आर्ट है, तो इनको कोई चलाना नहीं जानता अच्छे तो फाइनली जो है पिक्सल लैब को चलाना सीखेंगे और अपने वीडियो के लिए बढ़िया सा एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सीखेंगे। और कैसे क्या प्रोसेस है वो सब समझा दूंगा, मगर जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आ रही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो देखिए थंबनेल, थंबनेल के लिए जो सामग्री चाहिए वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और इसके लिए हमें कुछ नहीं, थंबनेल पर चलना है और थंबनेल देखना है कि किस तरीके से हम थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि थंबनेल हमको बढ़िया से बढ़िया कैसे बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे टेक गुरु आगरा चैनल को और साथ में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले आपको। तो देखिए फाइनल हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल रिकॉर्डिंग की और वहाँ से देखिए पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ये पिक्सल लैब है, तो पिक्सल लैब ओपन कर लिए मैंने। तो पिक्सल लैब ये मैंने पहले अपने लिए थंबनेल बनाने के लिए लगा रखा है। तो देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू साइज, तो जिसका साइज होता है 1280x720, यहाँ से इसका साइज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। और ये मैं इसको हटा देता हूँ, आपको दिखा दो, शुरू में ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके का आप कलर कॉम्बिनेशन कर लें, कलर के लिए थंबनेल का बैकग्राउंड के लिए जैसे क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे कलर आ जाएंगे, ऐसा कलर रखना चाहो ऐसा रखना चाहो इस तरीके। तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से इसे डाउनलोड डन कर देंगे और डन करने के बाद यहाँ प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ से इसे फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट करेंगे कौन सी भी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसे क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करने के बाद इसे इस्तेमाल में लाएंगे हम, ठीक है। तो ये डन आ गई। अब ये क्या है, इसको यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। इसको घुमाने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे, तो थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा लेता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद इसे यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। अब इसमें ये काला रंग आ रहा है, तो इसको कैसे हम रिमूव करेंगे, तो इसके लिए इसमें जाएंगे और यहाँ से इरेजर में जाएंगे एडिट कलर में, तो यहाँ पर हम इसे इनेबल कर देंगे, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ से ये काला कलर हटाना है, तो यहाँ ये आ रहा है, ये इसको हमें टच करना है। टच करने के बाद और इसे उंगली से धीरे 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 इस कलर पर लाना है और ये आ रहा है राइट के निशान पर, राइट कर देना है। तो देखिए वाइट कलर हो गया हमारा, कि पहले भी इसका वाइट था, तो इसे यहाँ पर लगा देंगे और इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब हमें इस पर कुछ लिखना है, ठीक है। तो लिखने के लिए सिंपल से ये वाले इस पर जाएंगे आइकन पर और प्लस वाले को दबा देंगे। प्लस वाले को दबाने के बाद ये आ जाएगा, फिर उसके बाद चाहो तो इस पर डबल टैप मार लो, नहीं तो इस कलम वाले को दबा दो। कलम वाले को दबाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे मेरे जैसा, ठीक है। तो ये आ गया इतना मेरे जैसा आ गया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है,
थोड़ा सा बड़ा करेंगे, मेरे जैसा लिख लिया हमने। तो यहाँ से हम जाएंगे इसको क्या बोले स्टाइल बी में, और अगर आपको और भी रखना है तो यहाँ से फॉन्ट देख लें, फॉन्ट में माई फॉन्ट में मैंने ये कर रखा है, तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ और देखिए ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे जैसा हो गया। अब इसमें आपको कलर लगाना है, तो कलर के लिए यहाँ पर ये कलर ऑप्शन है, तो यहाँ से कलर ऑप्शन लगा लेते हैं। अब कौन सा कलर रखना चाहते हैं उस हिसाब से देख लें कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। आप कलर वही लगाएं जो इस पर सूट करे, ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम कुछ और लगा दें और वो कुछ और लगाओ, तो उसी हिसाब से लगाएं। अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, नहीं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से इसको हटा दें। ठीक है, इसको हटाने के बाद कॉपी कर लेते हैं, डिलीट मार दूँ, ओके कर दें, नो डिलीट। ठीक है, तो इसे डिलीट मार देता हूँ। अरे हट जा यार। अब यहाँ से हमें जाना है, देखिए यहाँ से ये हमने किया और यहाँ इसको पट्टी को हम ये लगा दी हमने, ये लगने के बाद राइट कर देंगे, सेंड टू बैक, ये बैक में आ गई पट्टी। ठीक है, अब इस पर हमें जो लिखना है वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ फिर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद यहाँ से कोई अपनी पीएनजी फ़ोटो उठा लेंगे, तो फ़ोटो के लिए मैं ये पीएनजी फ़ोटो उठा ली अपनी, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब इस पर शैडो क्रिएट करना है, तो थोड़ा सा शैडो क्रिएट करना है, तो शैडो के लिए ये रहा इसको। अब किस कलर का शैडो रखोगे, वाइट का, लीले का, तो मैं वाइट का ही रख देता हूँ फिलहाल तो। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। अब इस पर हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए प्लस वाला आइकन, टेक्स्ट, यहाँ डबल टैप करने के बाद फिर यहाँ चले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे इसमें मेरे जैसा। ठीक है, मेरे जैसा लिख लिया। अब इसको बड़ा करना है हमको, तो बड़ा करने के लिए यहाँ टी साइज में जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे मेरे जैसा। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना है हमको, ये रखना है, ये रखना है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस पर वो देखना है कि किस तरीके से हमें क्या लगाना है मेरे जैसा। ठीक है, और थोड़ा सा शैडो स्ट्रोक देना चाहो तो थोड़ा इस तरीके से लगेगा, तो मैं फाइनली क्या है ऐसे ही रखता हूँ मेरे जैसा। और यहाँ लिखेंगे हम थंबनेल, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेंगे, और वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आप अपने अनुरूप बना लेना। ठीक है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो मैं तो आप तो मेरे से भी बढ़िया बना सकते हो, मगर एक एग्जांपल रूप बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मुझे अच्छा थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, और थंबनेल ठीक है थोड़ा सा ही लिखा है मैंने, ज़्यादा नहीं लिखा। थंबनेल कैसे बनाएं, यहाँ पर डबल टैप करेंगे, फिर लिखेंगे अरे यार ये मैंने लिख लिया है थंबनेल कैसे बनाएं। अब यहाँ मेरे हिसाब से ये कलर बड़ी बेटर लगेगा इस पर, तो मैंने इसका ये पॉइंट चेंज कर दिया। अभी इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कम है, तो कैसे बनाएं। ठीक है, ये हो गया।
आप चाहें तो इसका साइज और भी बड़ा कर सकते हैं, कैसे बनाएं, ठीक है। और यहाँ फिर हमें प्लस पे जाना है, फिर गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से हमें उठानी है पीएनजी, तो पीएनजी मिलेगी हमारी आपको यूट्यूब पीएनजी, ये मिल गई यूट्यूब लोगों की पीएनजी, ठीक है। तो मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ दिक्कत आती है, तो ये इसको हम छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से लगा देंगे कहाँ, यहाँ। तो अभी भी थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। और तो देखिए ये बन गया, लग गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें स्टोव लगा देते हैं, ठीक है। ये लगा दिया, ये लगाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा स्टोव लगा देते हैं। स्टोव लगा देने के लिए हमें ये वाला कलर या ये लगा देते हैं, ठीक है। ये लग गया, अब देखिए, अब देखो कैसा लग रहा है थंबनेल। तो बस इजी है भाई, कुछ नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो आप अपने अनुरूप ही थंबनेल बना लेना। बता दिया मैंने कि क्या क्या और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, एक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।